वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ते हैं शेयर कैपिटल के बारे में, क्या होता है शेयर कैपिटल और कितने प्रकार के शेयर कैपिटल होते हैं। शेयर कैपिटल मींस द अमाउंट दैट अ कंपनी रिसीव टुवर्ड्स शेयर कैपिटल फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स बोथ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब जो कंपनी पैसा रिसीव करती है शेयर कैपिटल के फॉर्म में, तो उसके बदले वो अपने शेयर होल्डर को शेयर्स देती है। दो टाइप के शेयर होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, दो टाइप का शेयर कंपनी इशू कर सकते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर में। शेयर इज अ यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। शेयर एक यूनिट है जिसमें कंपनी का कैपिटल डिवाइडेड है। यानी एग्जांपल देखते हैं कि अगर 1,00,000 रुपए की कंपनी है, ऑथराइज कैपिटल उसकी, ठीक है, उसका अगर 10 रुपए का एक यूनिट है तो 10,000 शेयर्स उसके पास है। ठीक है, अब वो 10,000 शेयर मार्केट में इशू कर सकती है, एक शेयर का कॉस्ट 10 रुपए है। तो ये 10 रुपए जो है यूनिट है, एक यूनिट का कॉस्ट 10 रुपए। ईच शेयर है इट्स नॉमिनल फेस वैल्यू। हर शेयर की एक नॉमिनल फेस वैल्यू है। नॉमिनल फेस वैल्यू मतलब यही जो 10 रुपए का एक शेयर है। ठीक है, ओके। होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ द कंपनी। जिसके पास ये शेयर होता है उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं या मेंबर बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्टर अलग होता है और शेयर होल्डर अलग होता है, याद रखिएगा। शेयर होल्डर ही मालिक है कंपनी का। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स, अब किस टाइप के क्लासिफिकेशन है। कंपनी बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड इन पार्ट ए, पार्ट ए शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 में पार्ट ए में बताया गया है कि आपको शेयर कैपिटल को किस तरह से डिफाइन करना है। पार्ट ए में है आपका बैलेंस शीट और पार्ट टू में है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हम आगे प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करेंगे, अभी बैलेंस शीट के बारे में। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि शेड्यूल 3 में बताया गया है कि बैलेंस शीट किस तरह से बनाएंगे, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में प्रॉफिट लॉस। तो ये कहता है कि इट रिक्वायर्स अ कंपनी शो, कंपनी को ये शो करना रिक्वायर्ड है। क्या क्या? एक तो ऑथराइज कैपिटल, उसी को ऑथराइज कैपिटल, उसी को नॉमिनल और उसी को रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। ये उसकी टोटल होती है जितने से कंपनी रजिस्टर्ड होती है। दूसरा होता है इशूड कैपिटल, इस ऑथराइज में से जितना वो इशू करता है उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। थर्ड आता है सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड के बाद मार्केट में जब वो शेयर देता है तो लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं, इसको बोलते हैं सब्सक्राइब। यानी तीन हो गया, एक ऑथराइज जितने से कंपनी ऑथराइज है, उसके बाद इशूड, इस ऑथराइज में से जितना इशू कर रहा है, इशूड के बाद सब्सक्राइब, उस इशूड में से जितना लोगों ने सब्सक्राइब किया। अब सब्सक्राइब तो क्या उसमें दो हो जाते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया और पूरे पैसे दे दिए। दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, मतलब सब्सक्राइब तो किए लेकिन पूरे नहीं दिए, कुछ रह गया। ठीक है, तो तीन होता है ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया AIS। ठीक है, इस तरह से हम इसको समझेंगे। तीन, किसी भी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम है, इससे ज्यादा कोई भी नहीं हो सकता। मान लीजिए इसका 1,00,000 है तो इशू 1,00,000 कर सकता है, सब्सक्राइब 1,00,000 कर सकता है। अगर ऑथराइज 10,00,000 है तो इशू चाहे वो 5,00,000 कर देगा और उसमें से सब्सक्राइब 5,00,000 के लिए दे सकता है। ठीक है, यानी ऑथराइज में से वो थोड़ा बहुत इशू कर सकता है, थोड़ा बहुत रख सकता है बाद में इशू करने के लिए। ठीक है, अब एक थोड़ा सा देख लेते हैं इधर, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, डिफरेंस बीच में। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल मतलब नाम से ही पता चलता है, कॉल्ड किसी चीज के लिए मांग करना। यानी अगर एक शेयर 10 रुपए का है और मैंने उसको कॉल किया कि भाई 10 रुपए दो, उसमें से अगर मैंने 7 रुपए ही कॉल किया, है ना, 10 रुपए का शेयर है और अभी मैंने सिर्फ 7 रुपए कॉल किया है, तो कॉल्ड अप कितनी हो जाएगी, 7 रुपए। ठीक है, यानी 3 रुपए कॉल्ड अप नहीं है। जितने शेयर होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर मान लीजिए 1,000 शेयर है तो 7,000 रुपए हो गया आपका कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, दूसरा होता है पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप देखिए शब्द में पेड अप यानी पे कर दिया, तो जो कॉल्ड अप करेंगे उसमें से कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर जो होता है, एरियर मतलब होता है बकाया। ठीक है, तो जो मैंने कॉल किया, मान लो अगर मैंने 10 रुपए कॉल किया शेयर होल्डर को, उसमें से अगर 3 रुपए शेयर होल्डर ने नहीं दिया तो ये हमारा एरियर हो गया, माइनस कर दिया तो 7 रुपए हो गया आपका पेड अप। सिंपल, किसी को जितना पैसा मांगते हैं वो आपकी पेड अप हो गई, उसमें से जितना वो दे देता है वो आपका पेड अप हो गया, और जो नहीं दिया वो कॉल्स इन एरियर हो जाता है। अब चूंकि हम देख लेते हैं कि कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कॉल्स इन एडवांस, नाम से ही पता है कॉल्स, एडवांस मतलब होता है किसी का हमारे ऊपर एडवांस पैसा आ जाना, इसको हम
बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। उसके अंदर मेन हेड होता है करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज के अंदर सब हेड आता है अदर करंट लायबिलिटीज, उस अदर करंट लायबिलिटीज के नीचे कॉल सिम एडवांस में शो करते हैं। ठीक है, अगर किसी का कॉल सिम एडवांस आ गया है तो टेबल एफ के अंतर्गत आप उसको 12% का पैसा ब्याज देंगे। सिंपल, किसी का पैसा आपके पास एडवांस आया हुआ है तो आपको उसको पैसा तो देना ही पड़ेगा भाई, आप यूज कर रहे हो उस पैसे का, तो आप उसको 12% का लगभग देते हैं। उसके बाद होता है कॉल्स इन अरियर, अरियर मतलब बकाया, जैसे पहले बताया आपको, यानी आपने जो कॉल किया था उसमें से कुछ शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिया है, वो होता है अरियर। ठीक है, तो सब्सक्राइब ये जो शो होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, जैसे हमने यहां पर बताया ना सब्सक्राइब एंड फुली पेड और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, तो इसी तरह से सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड के नीचे यहां पे हम लिखते हैं लेस कॉल्स इन अरियर, जितना नहीं दिया। तो जो उन्होंने नहीं दिया अगर उनसे हमें ब्याज चार्ज करना है तो उनसे ब्याज चार्ज करेंगे हम किस रेट पे, 10% पर एनम के रेट से। देखिए, जब किसी का पैसा आपके पास आएगा तो 12% देंगे, और जब किसी का जो कोई व्यक्ति आपका पैसा नहीं देगा उस पे आप 10% का चार्ज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह शेयर कैपिटल को डिवाइड करते हैं और कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं अगले।